जन ने अपना शक्ति का परिचय दिया, सामर्थ्यता जताई, एक विश्वास और एक उलगुलान का आगाज किया कि अब बागमारा में विकास होगा, धोखा नहीं होगा, बकवास नहीं होगा, जन जन की बात होगी और विस्थापन खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगा और अब काम मिलेगा। ये उम्मीद जन शक्ति दल ने अपना प्रधान कार्यालय में स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर दिया। सवाल उठता है कि आखिर जन शक्ति दल का निर्माण ही क्यों हुआ? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि जिसकी वजह से जनता को अपना एक दल का निर्माण करना पड़ा? और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बागमारा क्षेत्र में हो रहे जनता पे लगातार अत्याचार और विकास के नाम पे जीरो। और जहाँ तक सवाल आता है कि जब तक जनता का विकास नहीं होगा तब तक जनता दुखी रहेगी, और जनता को गुमराह करके उस पे शासन करना और उसका हक और हित को छीनना और उसको बाहर नौकरी करने के लिए मजबूर करना, ये कहाँ का नीति है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसानियत है? बस यही बात इस बात का गवाह है कि जनता धीरे धीरे एक ऐसे दल का खोज में निकल पड़ा जहाँ पे सारा सम्मान, सारा इज्जत और सारा सुविधा उसे मिले और साथ में शक्ति का भी परिचय हो, क्योंकि बिना शक्ति के सामर्थ्य नहीं आएगा और जनता का जो आवाज है गूंज नहीं पाएगा। बस इस बीच जनता का खोज सूरज महतो के रूप में उभरा, जो 2024 का आगाज करते हुए कहा, इस बार बागमारा इलेक्शन 2024 में हर हाल में जनता जनार्दन अपना सीट लाएगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशीष कुमार के साथ। को मिला शक्ति भी थी, सामर्थ्यता भी नजर आई और जनता का पूरा समर्थन भी नजर आया। ऐसा सैलाब आपको देखने को शायद कहीं नहीं मिला होगा, स्वेच्छा से आकर के सिर्फ एक व्यक्ति के विचारधारा को समर्थन दिया और वो विचारधारा का नाम ही है जनशक्ति दल और उसके विचारक है सूरज महतो जी। तो सूरज महतो जी, आज इनका स्थापना दिवस है जनशक्ति दल का और आपके पास जनता भी है, जनता का विश्वास भी है, सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है और जनता अब आपको पूरा समर्थन भी दे रही है। तो क्या हम लोग ये समझें कि 2024 विधानसभा में आप विजय पताका हासिल करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हम लोग का जनशक्ति दल का स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर जनशक्ति दल के तमाम वैसे कार्यकर्ता, वैसे माताओं, बहनों और अभिभावकों, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बागमारा विधानसभा में आज घर घर तक जनशक्ति दल समा चुका है, लोग अपना चुका है जनशक्ति दल को, जनशक्ति दल के विचारधाराओं से लोग प्रभावित है। हम लोग यहाँ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ जमात का राजनीति करते हैं, समाज को एक नया दिशा दिखाने का राजनीति करते हैं। यहाँ कई तरह के जुमलेबाजों ने अपना जुमला फेंका है राजनीतिक क्षेत्र में, अपने जुमला से काम करके हमेशा यहाँ पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने का काम किया है। अब हम लोगों ने अपने पथ यात्रा के माध्यम से, अपने लोकड़ सभा के माध्यम से और लोगों से संपर्क के माध्यम से हम लोगों ने हर परिवार को जगाने का काम किया, हर परिवार को बताने का काम किया कि आपके जो बेटा आज बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके यहाँ जो बेटियाँ सुरक्षित है, आपके घर में जो असामाजिक तत्वों का बाहर जमावड़ा है और आपको जो यहाँ असामाजिक तत्वों से जो डर है, इसका सिर्फ मुख्य कारण है कि यहाँ का जो दो प्रतिनिधि जो पहले 10 साल राज किया मंत्री बन के, उसके बाद एक प्रतिनिधि राज किया, 3 बार विधायक बन के, आज संसद बन के दिल्ली जाने का काम किया, लेकिन उन लोग के रहते हुए भी आज बागमारा में इतना अत्याचार, इतना भय, भूख, भ्रष्टाचार, इतना मौत, इतना मर्डर, इतना लूट, इतना छिनताई, इतना जो अपहरण और इतना रेप, ये कैसे हो रहा है? समाज में इतना असामाजिकता कैसे फैल गया? तो इसका सीधा श्रेय जाता है उन लोगों ने बागमारा के जनताओं को एक प्रोडक्ट तरह उसको यूज किया और उसको यूज करके और अपना बिजनेस फैलाया, लूटने का काम किया, चोरी किया, डकैती किया, या रात दिन यहाँ कोयला का लूट हो रहा है और कोयले के लूट के लिए शक्ति जनता से लेता है और हमेशा कोयला के लूट में लगा रहता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जनता का अधिकार है। बागमारा में बसने वाला एक एक इंसान जिनका बागमारा में है, जो बागमारा में अपना बसवास करता है, बागमारा के धरती में जो भी खनिज संपदा है उसके कण कण पे बागमारा के रहने वाले वासियों का अधिकार है और उनको उसका सीधा लाभ मिलना चाहिए, उनको वहाँ सीधा रोजगार मिलना चाहिए।
इसको दरकिनार करके इनका यहाँ का प्रतिनिधि खुद डीओ लगाता है, खुद अपने वहाँ पर जाकर ट्रांसपोर्टिंग कराता है, उनका गाड़ी चलता है, उनका पेट्रोल पंप से तेल जाता है और इन लोग का हिस्सेदारी है। दोनों मामा भेगना का आपस में बंटवारा किया हुआ है और दोनों ने मिल के बाघमारा को लूटने का काम किया है। आज बाघमारा के जनता को हम ये बताने का काम किए हैं, जिसका स्वरूप है कि आज बाघमारा के हर घर से लोग जनशक्ति दल के साथ खड़ा है और आने वाला समय में बाघमारा विधानसभा में जनशक्ति दल को भारी मतों से जिता के और विधानसभा पहुंचाने का काम किया जाएगा और जनशक्ति दल के माध्यम से बाघमारा को एक नया दिशा देने का काम करेंगे। एक सवाल है जिससे हो सकता है कि आप थोड़ा विचलित हो जाएं। चिताही धाम का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। वहां के कुछ लोगों का शोषण हो रहा है। जी बिल्कुल। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसके बारे में सीधे तौर से कहेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग उम्मीद से देखते हैं कि आने वाला प्रतिनिधि हम लोग के गार्जियन हैं, हम लोग का अभिभावक है, हमारे सुरक्षा करेंगे, हमारे घर को चलाने में, हमारे भोजन को, भोजन की व्यवस्था करेंगे, हमारे रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हमारे विधि व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन यहाँ जस्ट लाइक उल्टा है। यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में जिनको उन लोग अभिभावक समझते हैं, जिनको उनको गार्जियन समझते हैं, जिनको प्रत्याशी समझते हैं, जस्ट लाइक वो प्रत्याशी नहीं, वो तो एक राक्षस है प्रत्याशी के नाम से। क्योंकि राक्षस का कोई जात नहीं होता है। जब भी राक्षस को भूख लगेगा तो वो अपने नज़दीक के लोग को सबसे पहले खाएगा। उसी प्रकार आज यहाँ का जो प्रतिनिधि जो यहाँ पर 15 साल से राज किया है, उसको आज सबसे ज़्यादा तकलीफ अपने ही अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से होने लगा है और अपने परिवार के लोगों को ही प्रताड़ित करके और उनको घर से भगाने का काम किया जा रहा है। ये तो पूरा बाघमारा का जनता जानता है। जो अपने घर को लोगों को नहीं छोड़ता है, वो बाघमारा की जनता को कैसे छोड़ेगी? और 15 साल में बाघमारा की जनता ये जान चुकी है कि ये आदमी, ये इंसान, यहाँ का जो प्रतिनिधि है, ये बाघमारा के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। इनको अलग करके अब जनता बाघमारा में नया विचार और नया विकास की दिशा स्थापित करने के मैंने सोच में निकल पड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि जनता का समर्थन और सामर्थ्य और शक्ति और परिचय इन्होंने अपना दिखाया, दमखम के साथ दिखाया और जनता जनार्दन इनका पूरा सपोर्ट किया कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं और विजय आगाज हो के रहेगा। 2024 विधानसभा चुनाव बाघमारा, आप देखते रहिए सब पर नज़र। धन्यवाद।